इतने कम टाइम में और कितनी ही इजी ट्रिक से ये हलवा बन के रेडी हुआ है। ना तो हमें ग्रेट करना है गाजर को और ना ही इसको बहुत ही देर के लिए कुक करना है, बस कुकर में डालना है और फटाफट बना लेना है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद हबीबा शुएब। तो आज की रेसिपी है मेरी गाजर का हलवा। गाजर का हलवा किसको नहीं पसंद होता है, ज़्यादातर सभी लोगों को पसंद होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये मैंने 2 टीस्पून देसी घी डाल दिया है। ये थोड़े थोड़े मैंने काजू और बादाम ले लिए हैं, इसी में डाल के क्या करेंगे, इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, मैंने गोल्डन फ्राई कर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। ये 1 किलो तक है गाजर, इसको मैंने रफली चॉप किया है इस टाइप से। यही तो रीज़न है कि मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें हमें ना ग्रेट करने का झंझट है ना कुछ। बस ये इस तरह से काटिए जैसा भी आपको चॉप करना है, देन इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। 1 किलो गाजर डाली है मैंने, तो इसमें 1 लीटर ही दूध पड़ेगा। अगर आप खोए का यूज़ कर रहे हैं तो आप 1/2 लीटर भी डाल सकते हैं। 1 लीटर दूध मैंने डाल दिया इसमें। तो अब लिड ढककर 2 से 3 विजल लगा लेंगे हाई फ्लेम पे। कुकर में बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको ग्रेट नहीं करना पड़े। इसमें विजल आ चुकी है, अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। गाजर बहुत ही अच्छे से गल गई हैं। अब हम दूध को चलाते हुए हाई फ्लेम पे भूनेंगे ताकि ये सारा दूध खुश्क हो जाए। 5 मिनट तक इसको कुक किया है, तो देखिए इतना दूध जल गया है इसका। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से मैश करेंगे। मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है कुछते हुए। 1 kg हमारी गाजर है, तो ये 1/2 kg चीनी जाएगी इसमें। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें आप चीनी घटा बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए, मुझे तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए और ये हलवा बहुत ही अच्छे से खुश्क हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ उठा के। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कुकर की जो तली है ना, वो हलवे ने छोड़ दी है, यानी ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, चला दें अच्छे से। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।